भाई मजा आया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो पर सिखाएंगे कि आप अपने मोबाइल से कुछ उस टाइप की ट्रेंडिंग वाला स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर, तो अपना भाई का वीडियो आप जरूर देखना। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे, तो चलिए मेरा मोबाइल के होम स्क्रीन पर जाके आपको पूरा सिखा देता हूं। ये जो काइनमास्टर को आपको डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि जब ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत सारे रेशो आपको देखने को मिल जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। लेकिन स्टेटस वीडियो को आप बनाएंगे तो वो वाला है पर 9:60 रेशो पर आपको टच कर देना होगा। देन आपको नीचे दिखाई देंगे क्रिएट का ऑप्शन, आपको टच कर देना होगा। तो जैसे यहाँ पर टच करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस अपने मोबाइल पर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो इमेज असिस्टेंट, इस पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का इमेज पर टच कर देना। देन जैसे टच करेंगे तो आपको दोबारा फिर से उसी ब्लैक कलर का स्क्रीन पर आपको टच करके इसका ड्यूरेशन आप वीडियो के एग्जस्ट में रख देना कि इतने भी सेकेंड की आप वीडियो बनाओगे। तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ उतना ही रखा, यहाँ पर देख सकती हो। तो रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके, देन आपको मीडिया पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना वो भी फोटो ले लेना जिस फोटो ऐसे आप स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस फोटो को लिया, देन फोटो को लेने के बाद आपको फोटो को यहाँ पर पकड़ के फुल स्क्रीन कर देना। दोस्तों फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो अपना फोटो यहाँ पर आ चुका है। तो फोटो को आपको राइट साइड में इसे रखना है जैसे मैं रखा। तो रखने के बाद अभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे चाबी का ऑप्शन, आपको इस पर आपको टच कर देना होगा। देन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इसका जो यहाँ पर अपना उंगली से इसको लश तक कर देना। दोस्तों लश तक करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकॉन दिखाई देंगे, इसे प्लस का आइकॉन पर आपको क्लिक कर देना होगा। देन जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपना जो इस फोटो को अभी आपको लेफ्ट साइड में इसे ले जाना, जैसे अपना भाई आपको दिखा रहे सेम टू सेम, आपको यहाँ पर गड़बड़ी मत करना। तो यहाँ पर उतना तक छोड़ देना। छोड़ने के बाद आपको नेक्स्ट फोटो को ले लेना, इसके लिए लेयर पर क्लिक करके मीडिया कर क्लिक कर देना। देन अपना दूसरा फोटो को ऐड कर लेना। तो मैं दूसरा फोटो अपना यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो आप कोई सा भी फोटो लगा सकते हो। अगर दोस्तों आप इसी फोटो से, मैं जिस फोटो से एडिटिंग कर रहा हूँ, अगर आप इसी सेम टू सेम फोटो से एडिटिंग करना चाहती हो तो उसका भी फोटो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसको आप भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी इस फोटो को आपको लेफ्ट साइड में रख देना। रखने के बाद अब यहाँ पर देख सकती हो आपको फिर से यहाँ पर टच कर देना होगा इस चाबी वाला निशाना पर क्लिक करके। आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो वो काट चुका है। तो फिर से आपको इस चाबी पर क्लिक करके इसको आपको लास्ट तक कर देना। लास्ट तक करने के बाद आपको इस यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके देन इस फोटो को अभी आपको राइट साइड में आराम से आपको लेके आ जाना है, जैसे देख सकते हो इसे करके। तो अभी आपको इसको भी छोड़ देना और आपको और भी एक फ़ोटो यहाँ पर ले लेना। तो मैं और भी एक फ़ोटो यहाँ पर लेकर बता देता हूँ, तो आप कोई सा भी फ़ोटो फिर से ले सकते हो। तो मैं इस फ़ोटो को लिया और इस फ़ोटो को मैं जूम ही यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद इसको आपको राइट साइड में अभी रखना होगा। तो मैं इसको राइट साइड में रखा और आपको दोबारा वही सेम टू सेम आपको चाबी पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इसको लश तक कर देना। देन आपको यहाँ पर प्लस प्लर यहाँ पर इस पर क्लिक करके अपना फ़ोटो को आपको अभी लेफ्ट साइड में लेके जाना है आराम से, तो उतना तक छोड़ देना। तो अभी मैं लास्ट और भी एक फ़ोटो लगा के आपको बता देता हूँ। तो और भी एक फ़ोटो मैं ले लेता हूँ, तो आप भी ले लीजिएगा। अपना कोई सारा फ़ोटो आप ला सकते हो। मैं सिर्फ 4 फ़ोटो से दिखाएंगे, तो आप और भी फ़ोटो लगा सकते हो। तो मैं इस 4 फ़ोटो से ऐड किया, तो इस फ़ोटो को भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो इस फ़ोटो को मैं उतना तक रखा हूँ, और मैं यहाँ पर देख सकते हो उतना तक रखने के बाद इस फ़ोटो को अभी यहाँ पर राइट साइड में आपको रखना है। रखने के बाद अभी यहाँ पर फिर से वही सेमी प्रोसेस, आपको इस पर क्लिक करके लास्ट तक कर देना। देन इस चाबी पर आपको क्लिक कर देना। देन इस फ़ोटो को आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको लेके आ जाना, जैसे देख सकते हो। तो मैं उतना तक यहाँ पर किया। तो उतना तक हो जाने के बाद आपको अभी आपको क्लिक कर देना होगा लेयर पर क्लिक करके। देन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे हैंड राइटिंग पर क्लिक कर देना। देन यहाँ पर ब्लैक कलर का रेड कलर दिखाई देंगे, इस पर क्लिक करके अब इसको वाइट कर देना। वाइट करने के बाद राइट कर देना।
देन इस पेंसिल पर क्लिक करके देन आपको वो वाला पेंसिल को टच कर देना। देन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे डॉट, इसे डॉट पर क्लिक करके सबसे बड़ा वाला डॉट को क्लिक कर देना। अभी आपको स्क्रीन पर ऐसे स्लाइड करना, तो मैं स्लाइड करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकती हो, जब स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर व्हाइट कलर का शेडो आएंगे, तो इस पर क्लिक करके इस शेडो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आपको जूम कर लेना। करने के बाद आपको उतना तक कर देना। करने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पर जो ऐड किया है इसको आपको वीडियो के लास्ट तक कर देना। लास्ट तक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो अपना जो फोटो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। एडजस्ट होने के बाद आपको यहाँ पर फिर से क्लिक कर देना होगा लेयर पर और मीडिया पर क्लिक करके, और जितने भी टेम्पलेट वगैरह में यूज़ करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर मैं अपना जो यहाँ पर टेम्पलेट को मैं ले लेता हूँ, तो आप भी ले लीजिएगा। तो वो वाला टेम्पलेट को मैं यहाँ पर ऐड किया। तो दोस्तों ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना होगा, स्क्रॉल करके देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर देख सकती हो स्प्लिट स्क्रीन। इस स्प्लिट स्क्रीन पर जैसे क्लिक करोगे तो ऐसे आएंगे, तो आपको वो वाला ऑप्शन पर टच कर देना तो फुल स्क्रीन सेट हो जाएंगे। तो इसको कट करके अभी आपको आ जाना होगा इस ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कर देना स्क्रीन। दोस्तों जैसे स्क्रीन करोगे तो वो यहाँ पर सेट हो चुका है। तो सेट हो जाने के बाद अभी यहाँ पर देख सकते हो उतना तरीके से यहाँ पर सेट हो चुका है। तो अभी यहाँ पर क्या करना, दोबारा लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना। मीडिया पर क्लिक करके आपको और भी यहाँ पर टेम्पलेट लगाना होगा, जो भी आपको मैं यूज़ करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको यहाँ पर आसानी से यूज़ कर सकती हो। तो वो वाला यहाँ पर देख सकते हो शेडो को ऐड किया। तो इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे स्प्लिट स्क्रीन पर टच कर देना, देन आपको वो व्हाइट कलर पर क्लिक करते फुल स्क्रीन सेट हो जाएंगे। और उसको कट करके आपको सेम प्रोसेस ब्लेंडिंग पर आपके स्क्रीन आपको कर देना होगा। जैसे करोगे तो यहाँ पर वो आपको लास्ट तक कर देना होगा उसका ड्यूरेशन। तो जैसे लास्ट तक करोगे यहाँ पर देख सकते हो पूरी तरीके से वीडियो बन के रेडी हो चुका है। तो अभी यहाँ पर आपको लाइरिक वीडियो को एडिट करेंगे, तो इसके लिए लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना और जहाँ पर भी आप डाउनलोड करके रखा है इसको एडिट कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो व्हाइट स्क्रीन जो लाइरिक वीडियो को मैंने एडिट किया, तो उतना तक आपको लेके आपको आ जाना होगा फिर से यहाँ पर देख सकती हो ब्लेंडिंग पर। ब्लेंडिंग पर अभी आपको मल्टीपल पर क्लिक कर देना होगा। जैसे मल्टीपल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो लग जाएंगे, तो चाहो तो आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट और भी कर सकती हो। तो हमें उतना तक एडजस्ट किया, तो एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर सेट हो चुका है। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो को एक बार मैं प्ले करके आपको सुना देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो टेम्पलेट का जो आवाज़ आ रहा है, तो इस टेम्पलेट का आवाज़ को क्लिक करके यहाँ पर मिक्सर पर क्लिक करके इसको आपको म्यूट कर देना। तो म्यूट करने के बाद अभी एक बार मैं प्ले करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो काफ़ी मस्त वीडियो बन के रेडी हो चुका है। तो आप चाहो तो और भी एक यहाँ पर कर सकते हो कि अपना इस फोटो पर क्लिक करके आपको आ जाना होगा एडजस्टमेंट पर। इस पर क्लिक करके यहाँ पर इस फोटो को और भी मस्त बना सकते हो, जैसे मैं दिखाया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पहले फ़ोटो क्या था अभी क्या हो गया। तो आप इस एडजस्टमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर आप फोटो को और भी मस्त बना सकते हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर दिखाया, तो आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा आप अपनी मर्जी से। तो उतना तक आपको करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड का बटन दिखाई देंगे, इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे, तो यहाँ पर दिखाई देंगे 1080 720 540। तो आपको 1080 पर रखोगे तो फुल HD आएगा वीडियो, और जब यहाँ पर 720 रखोगे तो वीडियो आएगा थोड़ा सा हल्का फटा हुआ दिखाई देखेंगे। तो आपको 1080 पर रख के जैसे 7 बजे वीडियो पर जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देख सकते हो अपना जो वीडियो अभी डाउनलोड होने लग चुका है, और आप किसी को भी अब शेयर कर सकते हो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर इंडिया का सबसे बड़ा मोमो फेंक के मारो या गोल गप्पा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।